प्रिय अलवर वासियों नमस्कार, मैं इंद्रजीत सिंह, जिला कलेक्टर अलवर। पहले तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि कोरोना की इस लड़ाई में आप सभी साथियों का हमें भरपूर सहयोग लगातार मिल रहा है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अलवर ज़िले में 7 केसेस आने के बाद काफ़ी लंबे समय से, तकरीबन 15-16 दिनों से कोई भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि कोरोना को लेके किसी भी प्रकार से हम लोग कॉम्प्लेसेंट नहीं। लगातार इतने लंबे समय से ज़िले के अंदर आवागमन रिलैक्सेशन के तहत कई प्रकार की गतिविधियां और बढ़ाई गई हैं, और मान के चल रहे हैं कि जिस प्रकार से लगातार आवागमन और आसपास के ज़िलों के अंदर कोरोना पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, अलवर ज़िले को और ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए पूरे ज़िले के अंदर और ख़ास करके अंदर शहरी क्षेत्र जैसे कि अलवर शहर, भिवाड़ी शहर, राजगढ़ शहर और अन्य हमारे जितने भी नगर निकाय हैं, इन सभी के अंदर सघन सर्वे करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। CMHO साहब द्वारा और पूरी मेडिकल टीम द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो घर से घर सर्वे होता है उसको और सरल और पुख्ता बनाया जाए। इसके लिए हमारी ANM, हमारी आशा, हमारे टीचर्स, हमारे संगणक, कई प्रकार के साथियों को हम लोग आप लोगों की मदद के लिए, सर्वे के लिए आपके घर घर, आपके द्वार द्वार आ रहे हैं। मेरी इसमें 2-3 गुजारिशें आप सभी के सामने रहेंगी। सबसे पहला मेरा निवेदन ये रहेगा कि ये लोग आप लोगों की मदद के लिए आपके द्वार पे आ रहे हैं, कृपया करके इन सभी लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हम सहयोग करें। दूसरा, किसी भी प्रकार की भ्रांति ये नहीं रखें कि कोई हेल्थ वर्कर जो है ये किसी प्रकार से आपको किसी समस्या में या किसी बीमारी के पास ले जाए। इन सभी साथियों को बहुत प्रॉपरली ट्रेंड किया गया है, ये लोग पूरी अपनी सेफ्टी रख रहे हैं, इन लोगों के टेस्ट होते हैं। आप लोगों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इनको बिल्कुल वेलकम करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए इनको ज़्यादा से ज़्यादा आपका सहयोग मिले। तीसरा, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो भी सर्वे हो रहा है इससे आप लोग घबराए नहीं। किसी भी प्रकार से क्वारंटाइन या किसी भी और जगह पे सर्वे के बेसिस पे आप लोगों को नहीं लेके जाया जाएगा। ज़्यादातर यहाँ तक कि अगर आपकी सैम्पलिंग भी करने की ज़रूरत पड़ेगी वो भी आपके घर पे रहते ही उसकी व्यवस्था की जाएगी। कई जगहों से ये हमारे बात सामने आ रही है कि लोग इस चीज़ को सोचते हुए अपना सहयोग नहीं दे रहे हैं कि शायद अगर उनके सिम्टम्स कोरोना जैसे देखने को मिलेंगे, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, शरीर का टूटना, तो हो सकता है कि उनको किसी आइसोलेशन में लेके जाया जाए। ऐसा कतई नहीं है, हमने बहुत बेहतर व्यवस्था कर रखी है। आप लोगों की सैम्पलिंग आपके घर से ही हो पाएगी, डॉक्टर की मदद आपको अपने घर पे ही मिल पाएगी, तो आपको किसी भी प्रकार से इन सभी चीज़ों को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप खुद की, अपने परिवार की और पूरे समाज की मदद करेंगे अगर आप हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की मदद करेंगे। तो मैं एक बार पुनः समस्त अलवर वासियों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारी सर्वे टीम आपके घर घर तक पहुँच रही है उसका पूरा आप सहयोग करें। आप कतई पैनिक महसूस नहीं करें और कतई आप असहयोग के इसलिए नहीं आए कि किसी प्रकार से आप लोगों को कोई समस्या आएगी। हमें ये कोरोना की लड़ाई मिलके लड़नी है। फ्रंटलाइन वर्कर्स और आप लोग जब दोनों मिलेंगे तो हमारा मानना है कि बेहतर सर्वे हो पाएगा, कोरोना को घेरा जा सकेगा और जो भी मरीज सामने आएंगे उनको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दी जा सकेगी। इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।